This is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener at Indian Medical Association. आज हम बात करेंगे, एक बहुत कॉमन इश्यू होती है आजकल पेशेंट में, टेंडेंसी हो गई है छोटी छोटी बातों पर मेडिकल लीगल केस वगैरह डालने की। तो मैं ये बोलूँगा कि हर चीज़ में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को डाउट करने की टेंडेंसी होती है वो ना करें, क्योंकि मेडिकल साइंस इज़ नॉट ईजी, सबके बस की बात नहीं होती, सबको समझ नहीं आता और आप बाहर पर से देख के बहुत कुछ नहीं समझ सकते। सो जिसकी ट्रेनिंग है इसमें, 12 ईयर्स, मोर देन 12 ईयर्स की ट्रेनिंग हुई है, उसको जो कर रहा है उसकी एक लॉजिक होती है, ऐसे ही कोई नहीं कर रहा होता है, हर चीज़ के ऑब्सोल्यूट इंडिकेशंस होते हैं कई बार। सो एक ये टेंडेंसी हो जाती है कि हर चीज़ में हम क्या बोलते हैं, लीगल केस डाल देंगे, मेडिकल लीगल केस डाल देंगे। इससे क्या होता है, लिटिगेशन चार्जेस दोनों पार्टी को देनी होती है। सिंपल सी बात है, जब भी कोई केस कोर्ट जाता है, I am also LLB, so I can give more idea on that also. So litigation charges जो होते हैं वो दोनों को देने होते हैं, और इससे क्या होता है, patient के side का तो extra investment हो ही रहा है, और hospital का भी investment होता है, या पर से private practice doctor का भी investment होता है। वो money hospital या फिर doctor कहाँ से bear करेगा, वो OPD या procedure की consultancy fee भी बढ़ जाती है। So ये जो I have seen जो ट्रेंड हो गया है लोगों में, हर छोटी छोटी चीज़ों पे मेडिकल लीगल केस डालने का, सो हर हॉस्पिटल हर डॉक्टर एक अपनी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ द केसेस लिटिगेशन या मेडिकल लीगल केसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर वो उसी अकॉर्डिंग एक जो होता है ना, एक जैसे कि एक OPD कंसल्टेंसी की आज से 10 साल पहले जो फी थी अभी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट एक होता है 8% 9% का। सिमिलरली उसके साथ साथ एक लिटिगेशन कॉस्ट भी लास्ट 5-10 ईयर्स में ऐड होने लगा है उसमें। उससे एट द एंड नुकसान क्या होता है, पेशेंट को ही ज़्यादा अमाउंट बियर करना पड़ता है। तो टेक द सेम सर्विस जो 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स अर्लियर और नाउ जो लेना पड़ रहा है। तो आई विल लाइक यू टू कि छोटी छोटे, मतलब कोई अगर ग्रॉस आपको लगता है मेडिकल लीगल निगलिजेंस हुआ है, मेडिकल निगलिजेंस हुआ है, तो आप करो, लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ों में अननेसेसरी जो मेडिकल लीगल केस करने की टेंडेंसी, आई थिंक द पीपल शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट, क्योंकि इससे दोनों पार्टी का नुकसान है, सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर्स का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का भी, साथ साथ पेशेंट का भी। होप यू विल फॉलो दिस एडवाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।